जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। असासा रियल एस्टेट आपके साथ एक वादा किया था हमने अपनी पिछली वीडियो में कि हम जीएम हमेर एसोसिएट जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक और हमारे बड़े मोहसिन, इनसे हम आपकी बात करवाएंगे। और जो हमारे अलॉटीज हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे कंसर्न थे, उसके वाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम अशफाक साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से? माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जनाब। अच्छा यूसुफ भाई, पहले तो ये बताएं कि हुमैर एसोसिएट की जो पाकिस्तान, ख़ासतौर पर कराची और जो कराची के रहायशी हैं उनके लिए जो खिदमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक साहब, हुमैर एसोसिएट का नाम तो बखूबी सब लोग जानते ही हैं और मौजूदा दौर में तो बाहावाला गुलशन रूमी, इस वजह से लोग माशाल्लाह इस नाम को बहुत बखूबी पहचानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शायद सबके नॉलेज में भी है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाहिसियत जनरल मैनेजर हूँ हुमैर एसोसिएट में, और अभी तकरीबन कोई 3 साल हुए मुझे इसको ज्वाइन किए हुए। जी माशाल्लाह। ये कंपनी जो है हमारे मोहतरम जनाब ज़फ़र मनियार साहब जो हैं वो ऑन करते हैं, और माशाल्लाह से चूँकि एक बहुत बड़ा नाम है और स्पेशली बिल्डर के हवाले से या सोसाइटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से ज़फ़र मनियार साहब का नाम जाना पहचाना है, और स्पेशली इस मलीर के इलाके में ज़फ़र मनियार साहब के जो हैं माशाल्लाह कोई आई थिंक 17 के करीब प्रोजेक्ट थे। जी जी जी, तो उसमें से अभी मौजूदा जो हैं वो चूँकि 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो एक गुलशन रूमी और दूसरा सचल सरमस टाउन है जो सुपर हाईवे के ऊपर फाल करता है। जैसे मैंने आपको 17 प्रोजेक्ट का बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 17 प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर चुके हैं, और 1976 से ये स्टार्ट हुए हैं प्रोजेक्ट्स ना। और ज़फ़र मनियार साहब की क्वालिटी ये रही है कि उनके तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन मंसूब होते हैं औलिया कराम के नाम से। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने ये देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। आप जितने भी हैं, दाता नगर है, गुलशन जामी है, तो हर कोई हर प्रोजेक्ट स्पेशली शम्स तबरेज़ एक सोसाइटी है, दाता नगर है, उसके बाद में गुलशन जामी फेज 1-2 है, मोइनाबाद 1-2-3 है, उसके बाद गुलशन ख्वाजा उस्मानी हारूनी है, और इस तरीके से सचल सरमस टाउन है, और फिर ये गुलशन रूमी है ना। हम आज आपसे बात करने के लिए जो आपने मुझे ये मौका दिया है वो स्पेशली बात मैं गुलशन रूमी के हवाले से जरूर करूंगा। जी बिल्कुल, वो भी और अपने दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं। जी जी। अच्छा, ये एक साथ एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, क्योंकि एक काफी सारे लोगों ने एक मिस गाइड किया हुआ एक प्रॉपर्टी कम्युनिटी के अंदर कि गुलशन रूमी के जो बिल्डर्स हैं को काफ़ी उन्होंने जो है ना मतलब कोई वादा खिलाफी की। हालांकि आपने जो बताया कि 17 में से 15 प्रोजेक्ट की बहुत बड़ा वो था कि डिलीवर कर चुके हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे। Exactly. और 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो भी माशाल्लाह आज मतलब मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ कि जब से आपने टेक ओवर किया है, कुछ मामला रहे, देखें ये ज़िंदगी का हिस्सा है। Exactly. कुछ मामला रहे, जब से आपने टेक ओवर किया मैंने देखा माशाल्लाह आपने फुली गेटेड कम्युनिटी, बाउंड्री वॉल और सारी चीज़ें कर दी। अभी डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का हमने एक अपने व्यूअर्स के साथ वादा भी किया था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अब किस स्टेज पे हैं? देखें, मैं मरला वाइज आपको इंशाल्लाह पूरी तफसील बताता हूँ। आपके सवाल में ही आपका थोड़ा सा जवाब भी मुझे मिला कि हुमैर एसोसिएट या कि हम हुमैर एसोसिएट बिल्डर कह लें या पाक मनियार, चूँकि पहला नाम जो है हमारे प्रोजेक्ट के वो पाक मनियार के नाम से थे। जी, तो उसमें चूँकि हैं तो ज़फ़र मनियार साहब के ही, एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करना वो सबसे बड़ा काम होता है ना। तो मैं एक प्रोजेक्ट की नहीं, मैं 15 प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड है और मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ और साइट विजिट के साथ आपको दिखा सकता हूँ ना। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट इस वजह से हूँ क्योंकि जब से मैंने चाय लिया तो आपको पता है फिर रिकॉर्ड और वो सारी चीज़ें तो मेरे सामने आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और चूंकि मैं इस इलाके का रहायशी भी हूँ सॉरी, तो उस हिसाब से तो मैं सारी जगहें भी मैंने देखी हुई है ना। जी अच्छा, अगर हम बात करते हैं गुलशन रूमी की, देखें ये प्रोजेक्ट है, ये 1979 का प्रोजेक्ट है। सही जी, यानी जब ये एस्टेब्लिश हुआ, इसका फर्स्ट लेआउट जो प्लान अप्रूव हुआ था फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड वो 1980 में हुआ था। ठीक ठीक है जनाब। अब 1980 और आज हम अगर 2022 में बैठे हैं, आप एक पीरियड का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी बेसिक वजह यह थी, इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर ना करना या ये अभी तक फुली डेवलप ना होना। इसके रीजन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं शॉर्टली आपको 1-2 रीजन ऐसे बताऊंगा जो हर आदमी उसको अंडरस्टैंड भी करेगा जी। और वो लॉजिकल भी है ना।
देखें ये एरिया जो है जहां इस वक्त हम बैठे हैं, जहां ये फॉल करता है, इसकी अप्रोच जो है बिफोर ये जिना एवेन्यू रोड कोई अप्रोच नहीं थी। बिल्कुल, इसकी अप्रोच जो थी वो एक सिर्फ सिंपल जो सामने एक रोड जा रहा है जो गुल हाउसेस को जाता है, जो लिंक करता है यूनिवर्सिटी रोड, ठीक है, बिल्कुल जी। एक वो अप्रोच थी, लेकिन वो भी बहुत अरसे के बाद बनी, बहुत अरसे के बाद, बिल्कुल, ये जो लिंक हाईवे निकला एग्जैक्टली उसके बाद, लेकिन 2006 में इस रोड का प्रपोजल आया फ्रॉम आर्मी साइट, और अभी मौजूदा वो रोड जिसके ऊपर आप समझ लें कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो आबाद हैं और प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, और स्पेशली रोड के साथ साथ चूंकि मलीर कैंट के नज़दीक आता है, तो इस रोड के बनने से गुलशन रूमी के जो अलाटीज थे नो डाउट कि जितना बड़ा बेनिफिट उनको मिला है वो आज तक मैं नहीं समझता किसी और को मिला होगा। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। हम अक्सर जैकपॉट की बात आपने सुनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये जैकपॉट लगने वाली बात थी, वाकई बहुत बड़ा जैकपॉट था। जैसे आजकल सीपैक से बहुत सारे लोगों का जैकपॉट लग रहा है, तो ये एग्जैक्टली इसको जैकपॉट कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ बिल्कुल ये तो जंगल था, यहाँ तो कोई आता ही नहीं था। इस सोसाइटी को जफर मनियार साहब ने 3 मरतबा डेवलप करवाया है, 3 मरतबा बिल्कुल रिकॉर्ड पर मौजूद है। आपको मैं शो करा सकता हूँ, इसके एक्सपेंसेस शो करा सकता हूँ, सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, अब हर साल इसको जब डेवलप करवा दिया, रोड भी बन गई, लाइनें भी डाली, जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जो मैंने मौजूदा आके किया है, वो लोगों ने तो घर बनाया ही नहीं। अब डेवलपमेंट आप करने के बाद अगर कोई घर नहीं बनता तो वो डेवलपमेंट आपकी जीरो पे चली जाती है। एक ओपन एरिया होता है तो पानी का फ्लो होता है, आपको पता है कि कराची में बारिश होती नहीं, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर बारिश होती है, बिल्कुल, ठीक है ना जी, और बारिश होती है तो फिर मेरे ख्याल में, हाँ मैं वो आगे कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन रास्ता चूंकि इसकी बाउंड्री वॉल नहीं थी, ओपन एरिया था, तो वो पानी की वजह से एक फ्लड की सूरत हाल होती है यहाँ पर, ठीक है, जो कि अब नो डाउट के वो 80% कम हो चुकी है जी, बिल्कुल, क्योंकि सामने प्रोजेक्ट आ गए, रोड बन गई, ड्रेन डाल दिया गया, तो उसकी वजह से अब हमें एक बेनिफिट मिला। अच्छा, एक जिम्मी सवाल है कि माधव, आपकी बात काट रहा हूँ, एक इसकी ड्रेनेज के हवाले से भी सेवरेज का भी एक मसला है कि ये थोड़ा सा बाहर वाले हमारे मेन रोड, मैं आपको बिल्कुल इसका मैं आपके कहने से पहले इसका जरूर जवाब दूंगा, बेफिक्र रहिए अपना। देखें रही बात काम की के डेवलपमेंट की, ना जफर मनियार साहब की ये थीम शुरू से रही है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सोसाइटी बना दी और उसको डेवलप नहीं करना और प्लॉटिंग की और आपने प्लॉट सेल कर दिए और आप चले जाएं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। हमारा ऑफिस आज भी 10th floor काशिफ सेंटर पर आप देख सकते हैं, आपने खुद भी विजिट किया होगा, 12 लोग वहाँ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना पूरा रिकॉर्ड लेके वहाँ बैठे हैं। बेशक, जो प्लॉट हमने 1980 में बेचा था विद इन 2 मिनट्स फाइल मेरी टेबल पर होती है और मैं उस फाइल का पूरा रिकॉर्ड आपको विद इन 5 मिनट वो बता सकता हूँ कि प्लॉट किसने खरीदा था, वो उस टाइम पे कितने साल का था, उसका शनाख्ती कार्ड कौन सा था, वो कहाँ रहता था, कितने का उसने प्लॉट लिया था, कैसे उसने पैसे जमा कराए थे, ये एक इंडिविजुअल अलर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड जो होता है उसका तरीकाकार ये होता है ना कि विद इन 2 मिनट्स आपको उस फाइल के बारे में पता चल जाए। अच्छा, अब आए हम दोबारा फिर डेवलपमेंट की तरफ, तो जफर मनियार साहब की शुरू से यही कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ वो इंट्रोड्यूस करें तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाएं। मैं नहीं समझता कि जफर मनियार, बल्कि थ्रू आउट हर आदमी की यही सोच होती है, बेशक, कि जी मैं जो भी काम करूँ उसको पाए तकमील पे पहुँचाऊँ ताकि मेरे लिए पीछे कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि हमारे लिए आपने देखा ही होगा अक्सर ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन वो एक लंबी डिबेट है, उसके ऊपर फिर मैं किसी टाइम पे इंशाल्लाह जरूर रोशनी डालूंगा, चूंकि मैं अब उससे बहुत वेल अवेयर हूँ। अब आते हैं हम काम करने पर। मेरे ख्याल में कोई 4 जनवरी 2019 को एज ए GM ज्वाइन किया था हुमैर एसोसिएट को। जब मैं आया तो मल्टीपल इश्यूज मेरे सामने मौजूद थे, बिल्कुल, ठीक है जी। नंबर एक, कैंटोनमेंट बोर्ड से इसकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी। नंबर दो, कुछ आर्मी अथॉरिटीज का एक ऑब्जेक्शन था कि जी हम 7 फीट जो है उनकी लैंड हमने इनक्रोच किए जबकि वो नहीं थी, वो एक इशू हमारे साथ मौजूद था। उसी दरमियान नैप का इशू भी हमारे साथ जो है ना वो चल रहा था, फॉर कैंसिलेशन ऑफ द प्लॉट्स, वो भी एक अलहदा एक इशू है। उसकी वजह से आप यकीन करें कि 2 साल सिर्फ मेरी ये स्ट्रगल रही कि मैं इसको स्ट्रीम लाइन कर जाऊं। थोड़ा सा बेनिफिट मुझे ये मिला चूंकि मैं खुद एक डिपार्टमेंट से हूं और मैं वहां से रिटायर हुआ था, तो रूल रेगुलेशन कुछ थोड़े बहुत मुझे भी पता थे, तो नो डाउट के उसमें मैंने फिर ज़ाती दिलचस्पी लेके और इस काम को लेके मैं चला। और मेरे साथ जफर मनियार साहब की सबसे पहले हेल्प साथ शामिल थी, और दूसरा मुझे जो आसरा था वो अल्लाह पाक की ज़ात का था कि इस काम को मैं जो करने जा रहा हूँ
नंबर एक, या तो मुझे अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए यहाँ ये जॉब मिली या नौकरी मिली, मैंने इसमें मेरा अपना जाती इंटरेस्ट कोई नहीं था, सिर्फ ये शौक था कि यार मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊँ कर जाऊँ, तो उसमें अल्लाह पाक की मदद शामिल थी, तो वो काम सारे स्टार्ट हो गए। तो मैंने इब्तिदा किया था माशाल्लाह से कि हमारी जो जामा मस्जिद है गुलशन रूमी की, मैंने सबसे पहले उसकी कोशिश की कि मैं मस्जिद की तामीर शुरू करवाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मस्जिद जो थी वो अलाट की सलानी ट्रस्ट वालों को, बशीर फारूकी साहब आप बड़ा नाम है माशाल्लाह से, बड़ी खिदमत भी हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मैंने उनको मस्जिद अलाट की और नो डाउट के विद इन मंथ जो है वहाँ हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। और अभी मस्जिद हमारी आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक जो है ना वो फाइनल मराहिल में जा रही है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन था कि हमारे फिका जाफरिया के जो भाई बंदा हजरात हैं उनके लिए इमाम बारगाह, जो कि आपने देखी होगी वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है ना, दिस इज द बेसिक नीड कि जो हमें पहले करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब पहले काम में गए वो कामयाबी हमें अल्लाह पाक की ज़ात से मिली। सबसे पहले हमें एक्सटेंशन कैंटोनमेंट बोर्ड ने दी जो कि 2017 से अप्रूव थी और हमें नहीं मिल रही थी। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। जी, वो 18 दिसंबर 2020 को हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक्सटेंशन कन्वे हुई। जब 18 दिसंबर 2020 को मुझे एक्सटेंशन मिली तो उसके बाद मैंने डेवलपमेंट के वर्क को फोकस किया, क्योंकि मुझे कुछ डायरेक्शंस डिपार्टमेंट की भी थी, कुछ नायब अथॉरिटी की भी थी, वो सारी चीज़ें अपनी तरफ थी, लेकिन जो मैं खुद फिजिकली देख रहा था कि वो लोगों की परेशानियां थी, लोगों अलाटीज की जो मजबूरियां थी और जिस स्ट्रगल से वो गुजर रहे थे वो मेरे लिए बहुत अहम थी। डिपार्टमेंट अपनी जगह पर है ना, देखिए डिपार्टमेंट तो अब जैसे मुझे नायब अथॉरिटी ने कहा कि विद इन 4 मंथ जो है आप डेवलपमेंट पूरी करें तो इम्पॉसिबल है, तो मैं मुझे उन बातों की फिक्र नहीं थी, मुझे बात थी अपने अलाटीज की ना कि हमारे अलाटीज को हम जितना फैसिलिटेट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड काम हमने किया कि जो अभी आपने मुझसे सवाल किया था सेवरेज के बारे में ना, तो सेवरेज का एक इशू ये था कि जब ये सोसाइटी डेवलप हुई उस टाइम पे जो प्लान किया गया था वो प्लान ये था कि इसका जो मेन सेवर था वो एयरपोर्ट साइट के ऊपर था, जो कि KW&SB ने अपना मेन सेवर डाला था 54 इंच का जो वो डालते हैं। अचानक ही कह लें या उनकी प्लानिंग चेंज कह लें, मास्टर प्लानिंग चेंज हुई, तो उन जो KW&SB है उन्होंने मेन सेवर जो था वो हमारे फ्रंट पे डाल दिया। सही। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब मैंने इस ज़मीन का सर्वे कराया, टोपो करवाया, तो 19 फिट का डाउन मुझे वहाँ से मिला, जो कि एक इम्पॉसिबल है कि 19 फीट डाउन को आप रिटर्न नहीं ला सकते। बिल्कुल। बहरहाल फिर मैंने एक इंजीनियर थे उनसे कंसल्ट किया और उसके पर काफ़ी मेरी भाग दौड़ रही, मेहनत भी रही, तो उन्होंने फिर मुझे एक तरीका बताया कि जो कि मैंने यहाँ पे किया है कि एक 18 इंच की लाइन जो है मैंने तकरीबन 7 फीट तक जहाँ मुझे डाउन मिल रहा था वहाँ से मैंने उसको रिटर्न किया है ना। सही। वो रिटर्न करने के बाद अब उसमें यह हुआ कि ब्लॉक सी, ब्लॉक ई, ब्लॉक क्यू और कुछ और दूसरा इस तरफ सामने वाला एरिया या FL वाला एरिया जो है वो सारा कवर हो गया, जो कि हम मैन डिस्पोजल में जा सकते हैं। अब आ जाएं क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो 120 गज के प्लॉट्स का है, वो 120 गज के आई थिंक अगर मेरी काउंटिंग सही हो तो कोई 1200-1250 प्लॉट हमारे बनते हैं। ठीक है जी, उनके लिए तो स्लोप का बहुत बड़ा था क्योंकि ग्रेविटी और फिर जो नेचुरल स्लोप है उसको आपने यानी एक तरीके से कट ऑफ करना है ना। वो कट ऑफ करने का तरीका ये था कि मैंने हमारा एक ST प्लॉट है जो 7 नंबर कहलाता है, जो बिल्कुल CA की दीवार के साथ है ना, मैंने वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि मैंने एक सेफ्टी टैंक मैंने बनाया है 60x20 का ना जी। जो टेम्परेरी एक बना है और वो तकरीबन मेरे प्रोग्राम में 3 सेफ्टी टैंक आएंगे ना, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी मैं एक के ऊपर गुजारा कर सकता हूँ। तो अब मैंने वहाँ से सिस्टम किया कि एक लाइन मैंने डाली है जो कि सलज वाटर को ड्रेन करेगी मेरे 18 इंच की लाइन के अंदर। सही। ठीक है, वो जब वहां से पंपिंग सिस्टम के थ्रू वो पानी आएगा, जब पंपिंग के थ्रू आएगा तो मुझे यहां वाले स्लोप को भी कवर करने का एक मौका मिलेगा। ठीक है सर, उसके बाद में जो सलज वगैरह है वो फिर 6 महीने में या साल में हम जब तक है उसको जो ना क्लियर किया करेंगे और उसके बाद फिर एक और सेफ्टी टैंक बनाएंगे, यानी टोटल 3 सेफ्टी टैंक बनाएंगे। ये तो सेवरेज का एक खुलासा सा है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में फिर सेकंड इशू था वाटर लाइंस का। मैंने आपको पहले बताया अपनी गुफ्तगू में कि 3 मरतबा ये काम हो चुका है, 3 मरतबा लाइनें डल चुकी हैं। अब मौजूदा दौर में जब मैं पहुंचा तो मुझे कोई वाटर की लाइन ही ना मिले, क्योंकि कोई 4 फीट गहराई में है, कोई 3 फीट गहराई में, और वो सीमेंटेड पाइप था जो कि गल गया, खत्म हो गया। सही। मैंने जनाबी अली जफर मनियार साहब से बात की और मैंने कहा कि सर ये बेसिक नीड है, जब हम अगर पानी और बिजली जब आ जाएगी तो पानी हम सप्लाई देंगे तो उसके लिए लाइनें होना जरूरी है। तो बहरहाल चूंकि जफर साहब मेरी बात को बहुत ऑनर करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप अपना जो प्लान कर सकते हैं वो करें। उनके कहने पर, उनकी गाइडलाइन पर मैंने प्लान किया। आपका सी ब्लॉक, ई ब्लॉक और क्यू ब्लॉक ये मैंने पूरी
हाउस टू हाउस लाइन डालती हैं। जबरदस्त, बेहतरीन, ठीक। और सिर्फ मुझे अब जो है कनेक्शन, जब मैं लाइन ऑन करूंगा तो मैंने घरों को कनेक्शन देना होगा ना। बेसिक कब तक ऑन है कि इंशाल्लाह? देखिए अशफाक साहब, इसके लिए जो है ना मैं एक कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दे सकता, मैं उस तरफ आऊंगा, वो आइडिया आप खुद लगा सकते हैं ना कि जब मैं ये सारे काम करा रहा हूं तो इसका बेसिक मकसद क्या है मेरे काम का। मेन काम हो गया, लाइन हमारी आ जी, लाइन आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास वाटर बोर्ड की एनओसी जी, मेरे पास वाटर बोर्ड की एनओसी नहीं, मेरे पास वाटर बोर्ड का कनेक्शन मौजूद है। जबरदस्त, मेन मतलब सारे मसाइल तक जी जी जी, अल्लाह पाक के करम से 2009 में 94 लाख रुपीज हमने डिपॉजिट कराए थे फॉर ऑब्टेनिंग द वाटर कनेक्शन फ्रॉम KWLSB। वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसके साथ साथ हमने फिर ये भी काम किया था कि कनेक्शन लेने के बाद हम बैठे नहीं थे, हमने 5 इंच की लाइन फ्रॉम MP चेक पोस्ट नंबर 6 जो कि कंड्यूट जा रहा है वहां से, और हमारे पास जो एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है, हमने लाइन वहां अपनी पहुंचाई दी है। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैं एक बात को और ऐड कर दूं कि पंपिंग स्टेशन के लिए भी हमने, हमारे पास वहां पे हमने एक जगह खरीदी थी, एक कमरा हमारे पास वहां मौजूद है, पंपिंग स्टेशन का सामान सारा उसके अंदर मौजूद है कि हमने जैसे ही हमें बिजली मिलेगी वहां से हमने पानी जो है अपना पंप करना है और हमारे पास पानी आ जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां से मैं पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक, ठीक है सर। अच्छा, अब उसके लिए जहां वो PMT हमने जो कमरा बनाया है उसका पंपिंग स्टेशन का, वहां मैंने अपनी PMT भी लगाई हुई है। वो 2011 में हमने 15 लाख रुपए खर्च करके वो PMT वहां लगवाई थी। सही, कि हम उस टाइम पे चांस में थे कि शायद हमें बिजली मिल जाएगी तो हम पानी सप्लाई करेंगे। यानी ये मैं उस एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो जफर मनियार साहब मेरे से पहले के कर रहे हैं ना। ये नहीं है कि आप अगर इस बात को फोकस करें कि शायद मैं आया हूं तो मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट वही है जी, एक आदमी उसमें से एक मोहरा आपने चेंज कर दिया। बिल्कुल, हमारे साहब का उनका नाम लेना मैं जरूरी समझूंगा क्योंकि उनके बहुत खिदमत हैं जफर मनियार साहब के लिए, तकरीबन कोई 50 साल का उनका साथ था, रफीक वली मोहम्मद साहब जो साहब का GM थे, जो रूमी से वाबस्ता लॉटीज हैं तकरीबन वो तकरीबन जानते हैं। एग्जैक्टली, वो सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने ये कोशिश उस टाइम से जफर साहब कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, मुकम्मल करने के बाद अगर वो हैंडओवर हो जाएगा तो फिर बिल्डर भी आगे कोई अपना नया काम देखता है। बिल्कुल, अब अगर 40 साल से वो एक ही प्रोजेक्ट को लेकर बैठा रहेगा तो इट्स मीन के वो दूसरा काम कोई नहीं कर सकता। बेशक, क्योंकि अगर दूसरा काम कोई वो करना भी चाहेगा तो उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट ये आएगा कि जी आपने एक प्रोजेक्ट तो 40 साल पहले किया था, वो तो आज तक आपने हैंडओवर नहीं किया तो आपसे नया प्लॉट हम क्यों खरीदें। ये एक लॉजिक है। तो लिहाजा इसलिए कि जफर मनियार साहब की कोशिश ये रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मेरे आने के बाद एक थोड़ी सी चेंज ये आई कि शायद जफर मनियार साहब को एक मतलब एक ऐसा इंसान मिल गया कि मैं भागने में दौड़ने में कहीं आसरा नहीं करता। वो हम देखते रहते हैं माशाल्लाह, हम जफर साहब का भी, उमेर साहब का भी आपसे जो कम्युनिकेशन है, मैं अक्सर जब भी आपसे मुलाकात होती है मैं देखता हूँ कि तकरीबन सारा दिन ही आपके साथ रबते में रहते हैं माशाल्लाह, और उनका इनपुट इतना ज़्यादा होता है और मैं देखता हूँ कि और आपकी जो माशाल्लाह जो आपकी एक समझ लें कि लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो थोड़ी सी मतलब जो पहले सुस्त रफ्तारी थी उसको हमने देखा कि उसको बड़ी तेजी से आपने चीजों को कंप्लीट किया माशाल्लाह। अशोक भाई, मेरा कहने का मकसद यही था ना कि आदमी जब चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है ना, क्योंकि हर आदमी की अपनी नेचर होती है। अब मेरी आदत है कि मैं आई थिंक सो मैं 54 पे पहुंचा हूं, लेकिन मेरी कोशिश वही होती है, लगते नहीं है वैसे वो, बहरहाल आपकी जरा नवाजी है कि आपकी हुस्न नजर है, मेरी कोशिश वही होती है आज से जब मैं 20 साल का था, जिस तरह मैं भागता हूँ मैं अभी भी वैसे ही भागता हूँ, ठीक है ना जी। और काम जो है वो मैं शौक से करता हूँ जी, काम में किसी मजबूरी में नहीं बिल्कुल करता। ये काम मेरा शौक है ना, हमने देखा है बिल्कुल। अच्छा, शौक ये होता है कि जब मैं किसी के लिए कुछ कर रहा होता हूँ और वो आदमी कोई मेरे लिए दो अल्फाज अच्छे बोलता है तो मुझे एक दिली खुशी होती है, और मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है अल्लाह पाक ने मुझे ये इज्जत देनी थी जिसकी वजह से मुझे इस जगह पे बैठाया गया। बिल्कुल इज्जत, और जो लोगों की दुआएं इस चीज के हम विटनेस हैं। जी जी, पिछला व्लॉग किया था उसके बाद जो लोगों का रिस्पांस आया, मैं यकीन करें उससे पहले मैं हालांकि कमिट कर चुका था लेकिन आपकी मसरूफियत को देखते हुए थोड़ा लेट हो गए, लेकिन मैं यकीन करें आपको जितने लोग दुआएं देते हैं, लोग रब्ता करते हैं हमसे और कहते हैं कि जो काम बेग साहब ने किया हकीकत बात है, मतलब पिछले भी काम होते रहे, वो आपने पिछली पूरी सारी अपने मसाइल बताए कि आपने काम डेवलपमेंट करवा दी थी लेकिन लोग लॉटीज भी थोड़ा सा डिले हुआ लॉटीज की तरफ से भी कि उन्होंने अपना घर जी। यहां मैं आपको इंटरप्ट करूंगा थोड़ा, सॉरी, कि जो डेवलपमेंट हुई ना वो किसी उस मेयार के ऊपर नहीं हुई जी,
उसके अंदर या तो कुछ खला थे या कुछ कमियां इस तरह की थी कि वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को देखना चाहिए, जो मेरा तरीकाकार है काम करने का, कि मैंने जब अपना लेआउट गुलशन रूमी का लिया और जब सामने रखा तो उसमें मैं देखता हूँ कि आपने ये बाहर रोडें देखी होंगी कि मेन रोड मेरे पास 50 फीट की है, अगर मैं जब ग्राउंड पे खड़े होकर देखता हूँ तो वो 20 फीट की नजर आती है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पहले वो काम कराया उन्होंने शायद इंजीनियरिंग पॉइंट को मद्देनजर नहीं रखा, या उन्होंने उसको फोकस नहीं किया, कमियां रह गई ना। खैर, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हम मौजूदा अपने काम को देखेंगे कि हमने क्या करना था। मैंने जो भी चीजें की वो अल्हम्दुलिल्लाह के जो डेवलपमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए मैंने उस मेयार के ऊपर उस डेवलपमेंट को किया है ना। उसमें बेशक हमें एक्सपेंसेस ज्यादा हुए लेकिन यह कि प्रॉफिट और मार्जिन जो था वो भी जो है ना मैंने उसको कम से कम दिया कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि जो काम थे वो कंपनी मतलब इसमें मुझे कहने में कोई मुजायका नहीं होगा कि मेरे साहबजादे की जेवाई इंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी है जो कि ये काम कर रही है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर हमें थोड़ा सा प्लस माइंड मिल गया कि यार चले पेमेंट कुछ दिन के बाद यानी डिले हो जाती है या वो काम की रफ्तार जो थी वो नहीं रुकी नहीं रुकी। तो उसमें उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे वो कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से हम आए। आपके पास ये बिल्कुल एक मिसाल मौजूद है कि अगर आप गुलशन रूमी की जो मेन रोडें हैं उनको देखेंगे और उससे मेरे ख्याल में कोई 6 महीने पहले ही बाहर की मेन रोड डली थी, मौजूदा बारिश में उस रोड का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं, और मौजूदा जो क्वालिटी वर्क हुआ वो हमारी कोशिश की। चूंकि देखें अब हम बार बार उस काम को नहीं करेंगे क्वालिटी मेंटेन रखने का मकसद ये था कि हम इस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक ही बार करना है। अच्छा, ये जो हमारी रोड डली है जो भी कारपेट हो गई इसके नीचे जो सेवरेज है पानी है गैस की लाइनें हमने कम्प्लीट कर ली जी जी, वो देखें वो प्लान के मुताबिक जहां से जो लाइन गुजरनी थी हर रोड का एक राइट ऑफ वे है जी। आपने मौजूदा रोड भी देखी होगी कि मैंने साइड पर एक तरफ 5 फीट है एक तरफ 6 इंच मैंने कंक्रीट करवाया है जी। वो कंक्रीट का मकसद ये है कि अभी मैं फिर वो जब बिजली वाले मौजू पे आऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा वो राइट ऑफ वे जो है उसको हम किसी टाइम भी उसके लिए अगर एक्सीवेशन की जरूरत होगी हम करा सकते हैं, उसके बाद में उसको फौरी तौर पर फिल करने के बाद हम दोबारा उस पर कंक्रीट डाल सकते हैं, उससे मेरा रोड डैमेज नहीं होगा जी बिल्कुल ठीक है। तीन प्लानिंग वाकई मेरे भी जहन में आ रहा था कि आपने जो साइडों पे कंक्रीट किया इस वजह से रखा, अच्छा ये इस वजह से रखा है, और दूसरा यह कि पानी का फ्लो जो है वो कंक्रीट के ऊपर बहुत अच्छा रहता है ना, बनिस्बत के अगर आप बैचोमिन के ऊपर पानी गुजरेगा तो वो उसको खराब करेगा। तो आपने मौजूदा बारिश में देखा होगा मूसलाधार अभी लास्ट ईयर जो बारिश हुई थी जबरदस्त और मेरे ख्याल में 2-2 फीट पानी मैंने रोड पर से खुद अपनी आंखों से गुजरते हुए देखा है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी रोड मेरा डैमेज नहीं हुआ। जहां 1-2 जगह क्रॉस था वो मैंने पहले से भी पाइप वहां पे डाले हुए हैं कि अगर वो हो जाएगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी बेसिक नेसेसिटीज थी जो हमें जिसको हमें फोकस करना था जो मैंने फोकस किया ना, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो बिजली का एक बहुत बड़ा इशू था कि KE से कनेक्शन लेना वो बहुत बड़ा जो इशू लाने के मुताबिक मैं बात करूंगा ना, हकीकत बात है। लेकिन बहुत बड़ी सोसाइटी है मतलब तकरीबन 3,500 प्लॉट्स जी 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 ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कैटेगरीज जो होती हैं वो माशाल्लाह यहाँ पे हैं, फिर इतनी बड़ी आबादी को करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा एक ब्रीफ दूं कि KE से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो केस अपना टेकअप किया था मैंने KE के अगेंस्ट केस भी किया था कि जी हमारा ये प्रॉब्लम है तो लिहाजा इसको कंसीडर किया जाए। बहरहाल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द KE डिपार्टमेंट वो केस फिर मैंने विड्रॉ किया ऑन कम्प्रोमाइज बेसिस के हम आपके केस को प्रोसेस करते हैं, और उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना हमारी तकरीबन प्लानिंग जो है वो सारी अप्रूव हो चुकी है, और गो के हमें सब स्टेशन के लिए उन्होंने जो है ना जो फीडर जहाँ पे लगेंगे वो जगह भी पॉइंट आउट करके दे दी है। अच्छा, माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी तो वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बस मुबारकबाद क्या, मैं तो हमेशा अलाटी से भी अशफाक साहब ये गुजारिश करता हूँ कि हमेशा दुआ किया करें ना। देखिये क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि नंबर एक आदमी थोड़ा सा सब्र कर ले, नंबर टू ये कि उस काम के लिए अल्लाह से मदद मांगे दुआ करे ठीक है। जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है यानी मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अलाटिस के लिए कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं जफर मनियार साहब के लिए नहीं कर रहा, सही बात है तो नहीं रहना जी, यहाँ पे रहना के अलावा भी मैं आपको बताऊँ देखें कि गुलशन रूमी एक वाइज सोसाइटी है जो 99% लीज प्लॉट रखती है 99%,
1% जो रह जाते हैं वो इस तरह के हैं कि जिन्होंने कुछ ड्यूज बाकी हैं वो पे नहीं किए या वो अभी तक आ नहीं सके कि आके अपना प्लॉट लीज करवा लें, उनका रिकॉर्ड अपनी जगह पर मौजूद है। तो जो एक प्लॉट 99% सोसाइटी लीज होगी, तो आप मुझे बताएं कि बिल्डर उससे क्या बेनिफिट ले सकता है? कोई बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है। लोग मुझे अक्सर हवाला देते हैं कि सर आपकी FL साइड है और जो है ना आप उसको भी फोकस करते हैं, वो मैंने कहा कि देखें FL साइड जो है वो तो ऑलरेडी लीज हुई हुई है, क्योंकि जिससे हमारा जमीन का इशू था वो गनी बिल्डर वाले हैं, 6 FL जोन के पास हैं, ठीक है। अब बिल्डर है तो लाजमी जो थोड़ी बहुत सोसाइटी में जगह होगी वो अपने इनहेरिटेंस का जो सिस्टम है उसके लिए तो रखेगा जी, बिल्कुल। लेकिन मैं जो फोकस बात कर रहा हूँ कि वो प्लॉट हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं, कोई नहीं है। आपने देखा होगा मार्केट में भी आपको कोई प्लॉट जो है ये नहीं होगा कि जी हमारे एसोसिएट ने कोई प्लॉट सेल किया, बिल्कुल ये तो है। वो इस वजह से नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं मौजूद जी, ठीक है। हम RL के लिए हमने कुछ 240 गज के प्लॉट जो है इन रिवाइज प्लान हमने डिलीट किए थे, हमने कोई 15-20 प्लॉट ऐसे हैं 120 गज के जो RL उनके लिए रखे हुए हैं जी, बिल्कुल, ठीक है ना, जो वो 1% नॉन लीज में आ रहे हैं ना जी, बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया ना। अच्छा, अब मैं बिजली के बारे में जो आपको बता रहा था, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के आने वाले वीक में या विद इन 10 डेज मुझे उसका ड्राइंग मिल जाएगा सब स्टेशन का, क्योंकि वो उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन मुझे करनी है। 4 जगह पे उन्होंने रिक्वायर्ड किया था, वो मुझे डिमार्केशन भी दे के चले गए हैं, उन्होंने लोकेशन भी बता दिए, मैंने वहाँ डिगिंग भी करवा दिए। मुझे जैसे ड्राइंग मिलता है तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके कंस्ट्रक्शन शुरू करा दूंगा ना, उसके बाद में फिर मुझे एस्टिमेट जो है, एस्टिमेट अब KE का जो तरीकाकार है वो है थ्रू आउट द होल सोसाइटी, एंटायर लैंड के ऊपर जो कनेक्शन आएंगे उसका मुझे एस्टिमेट इशू होगा, उसको हम फिर इंस्टॉलमेंट में करवाएंगे, और जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा KEC का काम शुरू हो जाएगा, KE का काम शुरू हो जाएगा ना, यानी पोल। इस टाइम के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2 महीने मैक्सिमम, इंशाल्लाह ताला 2 महीने के बाद हमारे इलेक्ट्रिक के पोल आपको खड़े हुए मिलेंगे। हमें इस प्लानिंग के मुताबिक जो है, जो मैंने एस्टिमेट अपने मैप के ऊपर देखा था, उन्होंने 460 के करीब जो हैं वो पोल्स हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में 38 PMTs हैं जो कि 250 और 500 की KVA की होंगी ना। सही। अब प्रॉपर चीज़ें तो जब मुझे एस्टिमेशन होगी और जब KE, क्योंकि एक ज़रा लेंथी प्रोसीजर है उसके लिए उन्होंने हम टाइम, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करें कि मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इंशाल्लाह अप्रैल, तो मैं मतलब अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में तो मैं ये वादा अपना पूरा कर जाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त, मैं तो बड़ा मतलब इसके लिए तो वाकई में आपके लिए जो है ना हेड ऑफ जी, ज़रूर, और आपने बड़ी एफर्ट्स की, आपने ज़फ़र साहब ने और मेरे एसोसिएट्स ने जी, और इसके लिए तो बाकी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। थैंक यू वेरी मच। कि यही बात मैं यकीन करें कि मैं अलाटिस को कहता हूं कि यार आप कुछ ना किया करें ना, आप सिर्फ ये दुआ करा करें कि यार अल्लाह ताला मुझे जो है ना मतलब सेहत दे, मुझे हिम्मत दे, ठीक है ना। बाकी मैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं काम अव्वल तो बोलता नहीं हूं। देखें, जब तक मुझे KE से कोई उम्मीद नहीं थी, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी अलाटी को नहीं कहा कि मैं लाइट ले आऊंगा, लाइट ले आएंगे। जब मैं इस स्टेज पे पहुंचा तो अब तो मैं इस नौबत पे हूँ या इस पोजीशन पर हूँ कि मैं आपको एक कुछ टाइम लिमिट भी दे रहा हूँ जी, बिल्कुल। एक दौर ऐसा था कि मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करता था, बेशक, ठीक है, लेकिन मैं अब चूंकि इस जगह पर हूँ कि मुझे उम्मीद है और अल्लाह ने चाहा मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा, तो अप्रैल तक तो अल्लाह ने चाहा बहुत कुछ हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसी के साथ एक बात और लिंक करती है जो कि मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा, वो है गैस। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने गैस कंपनी को, सुसाधन गैस कंपनी को अप्रोच किया जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। आज से कोई 6 या 7 महीने पहले मैंने कोशिश की और जो प्रोसेस था उनका वो अडॉप्ट किया, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। अल्लाह पाक ने मुझे उसमें भी कामयाबी दी और मैं उस गैस की NOC ले चुका हूँ। फर्स्ट एस्टिमेट उन्होंने मुझे दे दिया है जो कि अमाउंट बनती है 5,98,00,000 रुपए, जो फर्स्ट फेज में मैंने उनको पे करा। अच्छा, अभी जब भी ये अलॉटीज के ऊपर आपने जो एग्जैक्टली जो गैस की मैंने नोटिसेस दिए थे, आपकी बात करते हुए मैं गुलशन रूमी के सारे लॉटी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने गैस के जो ड्यूज आपके ऊपर हैं या प्लीज ये पे करें। अभी ये बहुत अच्छा मौका है कि जब आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का इंसान है जो 24 घंटे काम कर रहा है, मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि जिस तरह मैंने इनको काम करते देखा है, जितना इनको मैंने एफर्ट करते हुए देखा है, और बात असल में वही है, मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए काम करना और दुआएं लेना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है कि गैस के जो चार्जेस हैं जो आपके ऊपर अभी ड्यूज आए हुए हैं वो आप प्लीज़ पे करें जी। सर, मैं एक चीज़ का बड़ा पाबंद रहता हूँ ना,
ऐसा काम किया जाए जिसका आप जवाब दे सकें। जी बिल्कुल। मैंने गैस के आज तक किसी से पैसे डिमांड नहीं किए थे, मैं क्यों करूंगा पैसे डिमांड जब तक मुझसे किसी ने डिमांड ना की हो। जब मैंने एनओसी ऑब्टेंड की, उसके बाद में उन्होंने प्लानिंग बताई, जब उन्होंने मुझे फर्स्ट एस्टिमेट दिया, देन मैंने नोटिसेस इशू किए। जैसे आपने ऑन माय बिहाफ ही थैंक यू वेरी मच कि आपने रिक्वेस्ट कर दी। मैं मेरे पास भी जो अलॉटीज आते हैं जो मेरे पीआरओ के पास, हम खुद अलॉटीज में से हैं जी, जी। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना चीजों को जानते हैं, आपकी एफर्ट्स भी देखी हैं हमने जी, जी, जी। इसके जो बेनिफिट हैं उसमें हमने भी बहुत बेनिफिट मिला है, जो माशाल्लाह इसके रेट इंक्रीज हुए आपकी एफर्ट्स की वजह से, हमारे एसोसिएट ने जो काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी वजह से आपके और हमारे एसोसिएट के तय दिल से शुक्रगुजार हैं। और अच्छा, आपकी बात माजरत कंटिन्यू रहेगी, साथ में अब मौके का फायदा उठाते हुए सचल में बहुत सारे लॉटीज हैं, सचल की तरफ उसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर जरूर, जरूर। उसमें भी थोड़ी सी डेवलपमेंट के लिए आप तवज्जो दें। जी मैं सॉरी आपको बार बार रोक रहा हूँ, मैं एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा काम करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मैं सचल के ऊपर इंशाल्लाह फिर आपको जहमत दूंगा और इंशाल्लाह ताला एक भरपूर प्रोग्राम के साथ, और उसमें जो मेरी अगली आने वाली हिकमत अमली जो मेरा प्लान्स वो हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा ना। अभी चूंकि आज हमने फोकस किया था गुलशन रूमी को ना, तो आप गुलशन रूमी को अगर मैं तमाम अलाटीज वैसे जो यहाँ रहते हैं वो उनको तो पता ही है, लेकिन बहुत से ऐसे अलाटी जो अभी काफ़ी अरसे से जिन्होंने विजिट नहीं किया गुलशन रूमी को, मैं उनको कहूँगा कि एक मरतबा आके अपने इलाके को विजिट ज़रूर करें ना। देखें अभी मौजूदा डेवलपमेंट के हवाले से जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने कर भी दी और मैं कर भी रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है ना जी। इंटरनल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अभी मौजूदा दौर में नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ें कि हम सबसे पहले बिजली, देन फिर गैस, उसके बाद में पानी की सप्लाई। जी मेरे जो यानी शेड्यूल में जो काम है ये बेसिक तीन चीजें हैं। जी बिल्कुल। मैं रोड्स को भी चौथे नंबर पर रखता हूँ। आपने देखा होगा कि तीन चार जगह मैंने गेड़ा डलवा के रोड की तैयारी करके रखी हुई है ना, बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है कि ये काम मेरा अभी गुजारा कर सकता है, ये चल सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी 120 गज में मुझे पानी की लाइनें डालनी है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ रोड की तरफ चला जाऊंगा तो बेसिक काम मेरा रुक जाएगा ना, तो मैं पहले वो लाइनें डाल दूं और उसके बाद में जो है मैं फिर इंशाल्लाह मेन रोड जो बड़ी है वो जिस तरह मैंने गेड़ा डाल के तैयार भी किया हुआ मैं उनको कारपेट भी कर दूंगा ना, ताकि ये है कि लोगों को आने जाने की सहूलत हो, घर में बिजली हो, गैस हो और पानी हो ना, पानी हो, चार चीजें जब नीड्स जो पूरी हो जाएंगी तो बाकी तो ये रोड्स वगैरह तो साथ-साथ चलती रहेगी। जी अशफाक साहब देखिए ना, बेसिक चीज यही है ना जी, कि आपके घर में बिजली होनी चाहिए, आपके घर में गैस होना चाहिए और ठीक है, और आपके घर में पानी होना चाहिए, फिर चौथे नंबर पे कि आपके घर का रास्ता साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो हम भी कोशिश एज पर इंस्ट्रक्शन आप जफर मनियार साहब कि वो उनका कहना यही है, मैं उनको टाइम टू टाइम ये गाइड भी करता रहता हूँ, क्योंकि उनको मैं ये कहता हूँ कि देखिए मैं ऑन ग्राउंड में बैठा हूँ जी, मुझे यहाँ की सिचुएशन का पता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जफर मनियार साहब मेरी बात को ऑनर करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी बात जो होती है वो फैक्ट फिगर के ऊपर होती है ना। जैसे मैंने बेसिक नीड थी अभी गेट की, आपने देखा होगा जी, माशाल्लाह गेट बड़ा बहुत खूबसूरत गेट बनाया वो, देखें गेट बेसिक इसलिए था कि लोग जो है ना एक गेटेड कम्युनिटी में रहे ना। अभी मेरा प्रोग्राम है कि मैं इंशाल्लाह जो हमारा मेन गेट पहले दूसरा आता है फर्स्ट जो मेन रोड से आते हुए, तो इंशाल्लाह अनकरीब हम उसको भी गेट की सूरत पे लेके जाएंगे, गेट भी बनवाएंगे और फिर वहां पे भी गार्ड का सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे काम है, ये साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला इसको करते रहेंगे ना। मेन चीज़ें जो हैं वो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि गुलशन रूमी की वो मुकम्मल हुई हुई हैं, काम जो हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे। एक चीज़ में इसमें जो है ना शायद मेरे जहन से निकल गई, मैं पार्क का जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा ना। गुलशन रूमी में मेरे ख्याल से तीन पार्क आते हैं जो एमिनिटी के ऊपर हैं, उसमें से एक पार्क जो है वो जफर मनियार साहब ने अभी पिछले अरसे में मुझे फोकस कराया और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे से पहले पूरा इंटरव्यू लिया कि कितने घर बन चुके हैं, मैंने सारी डिटेल बताई, तो उन्होंने कहा कि यार एक पार्क तो कम से कम आप अभी बना देना। तो वो पार्क जो था नो डाउट के उनकी ज़ाती दिलचस्पी से, बिल्कुल काम तो ग्राउंड पर मैंने किया उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिलचस्पी जो थी वो जफर मनियार साहब की थी ना, और मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये फील किया कि वो जैसे हर इंसान कोई अपने घर को डेकोरेट करता है इस तरीके से वो मुझे गाइडलाइन कर देते थे ना कि यार उसमें ये लाइट लगवाओ, इतनी ये चीज लगनी चाहिए, ये चीज लगनी चाहिए, बड़ी माशाल्लाह एक्सपेंसिव आपने डांसिंग फाउंटेन और ये लाइट्स जो हैं बड़ी खूबसूरत ये जफर साहब ने मुझे मतलब स्पेशली मंगवा के दिया है। अच्छा जी जी, इम्पोर्ट किया था चाइना से, और आप यकीन करें कि उसकी कॉस्ट तो अपनी जगह है, लेकिन चूंकि हमारे पास तो कोई जो है ना इम्पोर्ट का लाइसेंस है नहीं,
तो आप समझ सकते हैं कि विदाउट जो ना लाइसेंस जो है ना आप सारी चीजें मंगवाना, तो उसपे कॉस्ट भी बढ़ती है लाजमी। फिर हमने किसी की हेल्प ली और फिर उसकी ड्यूटी भरना, वो सारी चीजें करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जाती दिलचस्पी थी। इसमें एक बात मैं और ऐड करता चलूं कि अभी वो पार्क मुकम्मल नहीं हुआ है। अच्छा जी जी, उसके लिए कुछ और ऐसी चीजें हैं जो चाइना से हमने इम्पोर्ट की हैं, और लकीली वो 8 तारीख को मेरे ख्याल में जहाज ने शिप आ रहा था, जो उसने मतलब पहुंचना था, वो मेरे ख्याल में 10 तारीख को या 11 तारीख को पहुंचेगा या पहुंच गया होगा। वो मैंने अपने क्लियरिंग इतना तो आपने फुली डेकोरेट नहीं, उसमें अभी बेसिक चीज तो रह गई है, जो चीज जिस थीम के ऊपर वो बना है वो थीम अभी उसकी मुकम्मल नहीं हुई है। सही। लोगों की नजर में, आपकी नजर में हो सकता है वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ अभी ना। उसमें बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं जो लगनी है, और वो बेस करती हैं लाइटिंग के ऊपर ना। सही। तो वो इंशाल्लाह ताला आएंगी, मैं पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जब आएंगी इंशाल्लाह लग जाएंगी तो वो फिर आप लोग देखेंगे। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्कीम 33 बल्कि इस पूरे एरिए में, देखें अब हम बहरिया को तो कंपेयर कर नहीं सकते, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस बहरिया के अलावा अगर किसी सोसाइटी में मुझे वो इस तरह की चीज मिल जाए आपको, तो मैं उसके लिए मुझे जरूर दिखाइएगा ना, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, पार्क बहुत ज़बरदस्त साफ करा। अच्छा, आपकी बात से भी यूसुफ साहब मैंने एक बात नोट की, आपने कहा बिल्डर एक चीज़ कंप्लीट करता है उसके बाद वो नई जगह पे जाता है, तो अभी मुझे कुछ सुनने में आया है, कुछ ऐसा मैंने सुना है कि कुछ आप नया प्लान कर रहे हैं, कोई हाई राइज नहीं? हाई राइज का देखें वो प्रोग्राम में है, ज़रूर है, बिल्कुल इसमें कोई मज़ायका नहीं है बताने में, लेकिन उस काम में अभी थोड़ा सा टाइम है। सही। टाइम इस वजह से है कि देखें बेसिक है गुलशन रूमी हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल। जफर मनियार साहब का फोकस क्या है? रूमी प्रोजेक्ट। जी। हम इसको इस स्टेज पे ले आए कि जहां पे हर अलाटी अगर 100% सेटिस्फाई नहीं है तो कम से कम वो 80% तो सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल। 80% में वही चीजें आ जाएंगी, मैं अगर फिर रिपीट करता हूं। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर जब वो चीजें आ जाएंगी तो फिर हम कोई नया काम करते हुए अच्छे भी लगेंगे। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला वो आएगी, उसके ऊपर फिर मैं बिल्कुल जो है ना आपको मतलब प्लानिंग में है, प्लानिंग में इंशाल्लाह बिल्कुल है। सचल के लिए मैं देखें आपको एक चीज जरूर, अच्छा है आपने दोबारा रिपीट कर दिया सचल को, चूंकि सचल भी हम ऑन करते हैं और वहाँ के अलाटी भी हमारे अलाटी है और इसमें कोई शक नहीं है। और सचल के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि सचल एज कम्पेयर टू रूमी बहुत आसान काम है। जी। नंबर एक, सचल की जो लैंड है वो बड़ी स्मूथ लैंड है। स्मूथ है, इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। नंबर टू, वहां किसी तरह का कोई, अगर हम एक सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लांझा, आई थिंक सो पंजाबी वर्ड है, बिल्कुल मैं लेकिन कहना चाहूंगा कि उसमें किसी तरह का कोई लांझा नहीं है। सही। ठीक है। नंबर थ्री, कि वहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पूरी कर चुका हूँ। पानी के कनेक्शन के अमाउंट में 32 लाख KWNSB को अक्टूबर 2019 में पे कर चुका हूँ। सही। अब आपका अगला सवाल आएगा कि आपने जब जमा करा दिया तो कनेक्शन क्यों नहीं? जी बिल्कुल। मैं जवाब दे देता हूँ आपको, सवाल भी मैं खुद कर रहा हूँ, जवाब भी मैं खुद दे देता हूँ। उसका रीज़न ये हुआ कि KWNSB की पॉलिसी जो है वो ये होती है कि आप वाटर कनेक्शन का अमाउंट जमा कराने के बाद साथ साथ सीवरेज कनेक्शन का अमाउंट भी जमा कराएंगे। सही। देन आप फिर लाइन डालेंगे। सही। जब मैंने ये दोनों काम एक साथ करवाए तो जो सीवरेज का मुझे चलान दिया गया KWNSB की तरफ से फ्रॉम सचल, कि वो अमाउंट जो थी वो उन्होंने कैलकुलेट गलत की। ठीक है, क्योंकि कुछ एरिया उसमें से हमने 42 एकड़ जो एवरीबॉडी नोज के उनको पता है कि वो एरिया हमसे एक्सक्लूड हो चुका है। ठीक है, हमारा सचल जो है वो 72 एकड़ के ऊपर फाल करता है, तो वो कैलकुलेशन उन्होंने गलत की, तो उसका अमाउंट मुझे दिया 1,11,00,000 रुपए जो मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद है। सही। पानी का कनेक्शन में ले रहा हूँ 32 लाख रुपए में। सही। और सेवरेज कनेक्शन में लूंगा 1,11,00,000 रुपए में, जब मैंने कैलकुलेशन की तो पता चला ये गलत हो गया है ना। उसके लिए मैंने अपना जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने उनसे बात की हुई है कि सर ये इस तरीके से हुआ, मैंने डॉक्यूमेंटेशन उनको कर दी है। मैं इंशाल्लाह ताला वादा तो नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश ये वाली होगी कि मैं 3 से 4 महीने मुझे मजीद अभी यहाँ रूमी पे लगेंगे। सही। 3 से 4 महीने के बाद मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगा कि इंशाल्लाह मैं सचल की तरफ मूव करूं। और जिस तरह आज आप रूमी के लिए बात कर रहे हैं और तकरीबन हर आदमी तारीफ करता है, इंशाल्लाह ताला सचल के लिए भी लोग इसी तरह तारीफ करेंगे।
सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे, जफर साहब का इसी तरह आपके साथ रहें और जितनी आप कोशिशें काविशें कर रहे हैं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, और आप जितने लोगों की दुआएं इकट्ठी कर रहे हैं अल्लाह पाक मजीद आपको इसी तरह हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, जजाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।